महंगा है, चालू मत करे। यहाँ पे एक सीन हो गया है। ओ भाई फाइनली निकल गई, वो बंद हो गई यार। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज डेट है, क्या डेट है, 16 दिसंबर 2021। और भाई मैं अपने ब्लॉग में, हर ब्लॉग में डेट इसलिए बता देता हूँ क्योंकि मुझे भी तो पता होना चाहिए कि मैंने ब्लॉग जो स्टार्ट किस दिन किया था। अपलोडिंग डेट तो पता चली जाती है, इसलिए अपना डेट भी डाल देता हूँ मैं। मेरे साथ ना एक प्रॉब्लम हो रहा है यार कि मुझसे ब्लॉग की जो स्टार्टिंग या शुरुआत जिसे आप कह सकते हो वो नहीं होता। मतलब ब्लॉग में स्टार्टिंग में ऐसी क्या चीजें डालूं जो आप लोगों को पसंद आए, और अगर ब्लॉग अच्छा स्टार्ट हो जाता है तो भाई एकदम मजा सा आ जाता है। पर धीरे धीरे वो भी सब सीख लेंगे, अभी नए नए हैं तो ऐसा कैमरा उठाओ और सारी चीजें भूल जाते हैं भाई की। मतलब ये चीज बोलने से भी पहले मैं 25 बार सोच रहा था कि क्या बोलूं। और जी कल ना मुझे अपनी कॉलेज से ये वाला फ्लैग मिला, जो कि आप लोगों को भी अपनी स्कूल में या कॉलेजेस में मिलता ही होगा, जो बचपन से हर साल मिलता है। मतलब ये आर्म्ड फोर्स फ्लैग डे ये वाला, तो इसको भाई बचपन से अपनी गाड़ी पे लगाते आ रहे हैं, तो आज भी अपनी बाइक पे लगाएंगे अपन। तो अभी लगाते हैं इस पे, इधर यहाँ पे ऐसा थोड़ा टेढ़ा हो गया शायद ही, चलो ठीक है। पर अब तो भाई एज यूजुअल अपनी कॉलेज का टाइम हो चुका है, तो अपनी गाड़ी को साफ करते हैं और फिर चलते हैं, क्योंकि आज जो है मेरी टर्न है बाइक ले जाने की। मैंने लास्ट टू लास्ट ब्लॉग में बताया था कि हम दो लोग जाते हैं। बज रहे हैं, कितना बज रहा है, 3 बज रहा है। अभी हमारी आईटीआई की छुट्टी जो हो चुकी है, तो अब चलते हैं मार्केट और थोड़ा जो भी सामान बोला था वो सारा सामान लेते हैं। जैसे ये खड़ी अपनी बाइक, तो अब चलते हैं फटाफट से। 1 किलो तोल दो बस। अभी मैं आईटीआई से तो आ गया था, पर अभी फिलहाल 4 बज रहे हैं और मैं जा रहा हूँ माही को लेने के लिए, क्योंकि माही स्कूल गई थी। तो भाई जिस स्कूल में वो जाती है ना, वो उसके जो मैजिक ऑटो आप कह सकते हो, वो हमारे गांव तक नहीं आता, तो उसे यही 1 किलोमीटर दूर दूसरा गांव है, तो वहां लेने जाना पड़ता है। तो वहीं जा रहा हूँ लेने, चलो अभी चलता हूँ। हमारे यहाँ की सड़कें तो इतनी अच्छी है कि क्या बताऊँ मैं आप लोगों को, हाईवे है पूरा। आ जाओ। चलो जी माही को तो ले लिया है, अब घर चलते हैं। बस माही बहुत लेट हो गई यार, छोड़ के आए सबको, और तुम्हारी स्कूल की भी ये चालू करवा के ना घर तक छोड़ दिया करो यार, यहाँ तक लेने आना पड़ता है भाई साहब। इतना गंदा रोड है, इतनी गंदी रास्ता है, और यार बारिश में तो इस रोड पे मतलब इतना पानी भरा जाता है, ये वाला रास्ता तो पूरा अपना बंद हो ही जाता है। फिर उधर से घूम के आना पड़ता है, 5 से 7 किलोमीटर घूम के फिर जाओ कहीं भी जाना हो तो। तो भाई रिवर क्रॉसिंग भी आ गई है, तो गाड़ी निकालते हैं, बड़े आराम से निकालना पड़ता है एक तो यहाँ पे, और इसके इधर देखो ये सबसे हेवी टास्क ये, इतना गंदा भाई, उस साइड से निकालना पड़ेगा यार, यहाँ से तो ना निकलेगी। भाई साहब निकाल दी, बच गए और आराम से, यहीं पे गिरी थी, यहीं गिर गई थी। हाँ। पहुंच गए हैं घर पे, गाइस गुड मॉर्निंग, दिस इज द नेक्स्ट डे। कल मैं जो आके है कुछ भी ब्लॉग कर नहीं पाया, और अभी 9:30 बज रहे हैं। अभी का सीन ऐसा है भाई, मेरी गाड़ी काफी गंदी हो गई थी, तो इसको धोता हूँ। और गांव में तो यार हो ही जाती है, क्योंकि खेत में जाती है या नदी में कीचड़ में जाती रहती, तो काफी गंदी हो जाती है, तो धोने का सोच रहा हूँ, इसको धो लेते हैं। और मेरे पास मैंने बताया था ये वाली गाड़ी है स्प्लेंडर, और 2 बाइक है मेरे पास, दोनों स्प्लेंडर है, तो ये नई वाली है, और एक और जो है वो पुरानी है, उसको भी अभी धोना पड़ेगा। और मैंने ये नली यहाँ पे रख दी थी, थोड़ी धूप में काफी कड़क हो गई थी, तो धूप में थोड़ी नरम हो जाती है, फिर धोते हैं।
फिलहाल अपनी दोनों बाइकें जो है वो मस्त धोके खड़ी कर दी है। ये वाली देखो, ये बता रहा था मैं, हमारी पुरानी वाली स्प्लेंडर है, तो इसको ना हम खेत में या मतलब ऐसे ज्यादा यूज करते हैं तो इसकी हालत देखो खराब हो गई। मतलब यहाँ से भी ये टूट गई है, इंडिकेटर टूट गया, तो मतलब ज्यादा रफ एंड टफ इसको ही लेते हैं। पर स्प्लेंडर जो है काफी अच्छी बाइक है, तो मतलब सही काम रहता है, कहीं भी आप इसको चला लो खेत में या फिर ऐसा कीचड़ ईचड़ वगैरह सारी जगह पे काम चल जाता है इसका। तो वैसे मैं अभी जा रहा हूँ भाई, फिलहाल गाड़ी तो धो ली है, पर मैंने बताया था कि माही को सुबह से छोड़ने जाना पड़ता है, तो वही कच्चे रास्ते से जाएंगे, तो अभी धोई और फिर गंदी हो जाएगी अब। चलो पर कोई ना, फिर धो लेंगे। बढ़िया रेडी हो चुकी है, स्कूल ड्रेस में अभी चलते हैं। ये वाली बाइक लेके जा रहा हूँ वैसे, क्योंकि इसकी तो अभी सीट जो है गीली है, तो ये लेके चलता हूँ। तो भाई वही अपना रास्ता आ गया, अपनी गाड़ी अभी धोई और गंदी हो जाएगी अब। अरे रिवर क्रॉसिंग भी आ गई है, इतना गंदा रास्ता है। ये देखो भाई, बड़ा हेवी टास्क है, बहुत आराम से निकालनी पड़ती है, तो कीचड़ भी काफी है। ओ भाई फाइनली निकल गई, वो बंद हो गई यार, वापस से स्टार्ट करते हैं, निकालते हैं अब यहाँ से। ओ कहाँ जा रही है। अरे इंडिया की सड़कें तो काफी अच्छी है। अरे भैया वो स्कूल वाली वो आई कि नहीं? कौन सी वाली? कार नहीं आती, वो तूफान। तो जी अभी एक सीन हो गया, जहाँ पे मैंने पूछा था ना कि भाई बस वो मतलब मैजिक निकल गया क्या, वो बोले भैया निकल गए। तो मैं बस स्कूल छोड़ने जा रहा था, और फिर वो भैया को फोन लगाया मैजिक वाले को, तो वो बोल रहा है कि भाई मैं बस आ ही रहा हूँ वहाँ, मतलब जहाँ से बिठाना था। और दुकान वाले भैया बोले गया, तो मैं आधी रास्ते में आ गए ही है और यहाँ पे खड़ा हूँ आप, तो वापस जाता हूँ मैं वहीं पे और वहां से फिर बिठाऊंगा आप। क्या यार इतनी दूर आया एक तो, चलो अब वापस चलता हूँ। चलो जाओ, 10 बजे यहाँ छोड़ दिया करो तुम तो, है ना? अभी कई परीक्षा चल रही थी, कल ये मैं जल्दी चल जाता। अच्छा अच्छा चलो। तो जी भाई को फाइनली बिठा दिया है मैजिक में, तो स्कूल के लिए निकल गई। और भाई काफी सीन हो गया यार ये, और ये सब भैया वो दुकान वाले भैया की वजह से, पर जो भी है आप ठीक है, आप चलते हैं। तो जी इस ब्लॉग को यही पेंट करते हैं, आई होप आप लोग पसंद आया होगा, पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। यार वह ब्लॉग शुरू कर ले, शुरू क्या होता है। अरे ये इतना बोलते है, ये इनको जरा चुप रख लो। सो है गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। तो सब यही बोल लो।